4v2 का सिचुएशन होता हुआ, फनेटिक वर्सेस सोल होता हुआ, मॉर्टल नीचे से शॉट देने की कोशिश करेंगे। अभी भी जोन सोल के पास ही आएगा। ओके एंटिटी की स्क्वाड आएगा सीसी के साथ एलिमिनेट हो चुकी है, प्रॉब्लम है अभी भी बाकी सारे मेंबर्स के लिए, हर तरफ फाइट ही फाइट हो रही है। जल्दी से सभी को जोन में निकलना पड़ेगा, लेक्सटम को भी जोन में जाना पड़ेगा, फैनेटिक स्क्वाड को भी जोन में जाना पड़ेगा, सोनिक अकेले यहां पे बचे हैं। लेक्सटम की स्क्वाड आएगी एलिमिनेट हो चुकी है इसी के साथ, स्काउट ओपी ने फिनिश किया। सामने इनके चार के चार मेंबर बचे हुए, सोनिक के अकेले चार के चार मेंबर्स को डाउन कर सकते हैं या नहीं देखना पड़ेगा। एक नेट अगर इनके पास होता तो आराम से एक दो बंदे डाउन कर सकते थे, पर तो स्काउट एश और सब कोई उठ चुका है अब। और सेल्स की स्क्वाड दूसरे साइड पे, सीएसपीजी की स्क्वाड की बात करें तो उनके पास एक कंपाउंड है, टीम नंबर 21 सबसे ज्यादा सेफ है, 28 सेकंड फॉर द नेक्स्ट जोन। ओवेज दूसरे साइड से रोटेट करेंगे, सोनिक की बात करते हैं तो चार के चार मेंबर रश करेंगे और प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। रिवेंज स्क्वाड पे जीरो किल इनके पास है, किल्स भी उतने अच्छे खासे नहीं है, सोनिक डाउन और इसी के साथ रिवेंज स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए स्काउट के द्वारा पकड़े गए। रेवेंस सोनिक चार किल अपने नाम किया इन्होंने। अभी के लिए जोन के अंदर मूवमेंट करना पड़ेगा, सोल के मॉर्टल काफी ज्यादा दूर है, वाइपर सांगवान अंदर के साइड जा चुके हैं, बीएफआर की स्क्वाड दूसरे साइड है, सेवन सीज की स्क्वाड एक बार फिर से बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए। सेल स्क्वाड की बात करें तो उनको भी जल्दी ही पुश करना पड़ेगा। सेल स्क्वाड और सीएसपीजी के बीच में आई गेस फाइट हो सकती है, काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, जस्ट बगल वाले कंपाउंड में बिल्कुल आतंकी यहाँ पे स्पॉट होते हुए डाउन किए गए। बर्न्स की बात करें वो भी डाउन होते हुए, नीचे रॉक्स हैं, बर्न्स डाउन हुए और रैपजॉर्ड यहाँ पे बीएफआर के डाउन होते हुए, बीएफआर भी बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए। बट सांगवान की बात करें, मॉर्टल यहाँ पे 420 ओपी को डाउन करते हुए विद दैट डीपी मॉर्टल ने फिनिश भी किया। फेनेटिक स्क्वाड काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकती है। अब जिक्सो की बात करें, प्लेजोन के बाहर डाउन हो गए, बट नहीं, मॉर्टल का एक और डीपी का शॉट पड़ा, परितोष और ओवेज दूसरे साइड पे नॉकडाउन पड़े हुए, एश और स्काउट उनको रिवाइव करेंगे। सीएसपीजी सर्विसेज के ड्रिगर अंदर के साइड पे जा चुके हैं, वीएफआर के रेपजॉर्ड सांगवान के द्वारा डाउन, वीरू बर्न्स को फिनिश करते हुए। मॉर्टल की स्क्वाड के तीन मेंबर्स अभी भी जिंदा, सेवन सीज के केवल ड्रिगर बचे हुए हैं और वीरू बचे हुए अंदर के साइड, वो जा चुके हैं। जोन में निकलना पड़ेगा सोल स्क्वाड को। एक बार किल की बात करें तो 15 किल्स हैं सोल स्क्वाड पे, मॉर्टल पे अकेले के 4 किल हैं। स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं डार्क को, पता है वहां पे एक मेंबर और है, बट ये कंपाउंड है जहां पे फाइट देखने को मिल सकती है। स्काउट और फेनेटिक स्क्वाड अभी तक जिंदा, वीरू का एक बढ़िया नेट, सीएसपीजी का एक बंदा डाउन, अंदर के साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं। आई गेस केवल एक बंदा और बचा है सीएसपीजी का, बाकी सारे मेंबर्स डाउन हो चुके हैं। ड्रिगर पे बढ़िया नेट जाता हुआ, दो मेंबर्स को आई गेस डाउन किया, ड्रिगर को डाउन करके फिनिश भी किया, वीरू को भी डाउन करके फिनिश किया। एक नेट, दो मेंबर्स जो सेवन सीज के बचे थे वो भी फिनिश हो चुके हैं। सीएसपीजी और प्लेजोन के बाहर वीएफआर डार्क फिनिश होते हुए अपने मेंबर्स को बचाएंगे, बट फनेटिक स्क्वाड ऊपर से शॉट देती हुई, इसी के साथ सीएसपीजी स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए। टॉप थ्री टीम्स हमें यहां पे मिलता हुआ, 4v3v3 का सिचुएशन होता हुआ, टोटल 10 मेंबर्स अभी भी अलाइव है। सांगवान आगे के साइड पर रश कर रहे हैं, इनके पास है गिली सूट, आराम से लेट सकते हैं। एज जस्ट सामने वाले कंपाउंड में ओवेज पारितोष और आई गेस 15 किल है सोल स्क्वाड के पास। सेल्स के पास यहाँ पे 4 किल हैं, फेनेटिक के पास भी लगभग 5 किल्स हैं, यस बिल्कुल 5 किल्स उनके पास हैं। अभी के लिए जोन टीम नंबर, ओके जोन सभी के पास है एक्सेप्ट फॉर टीम नंबर 8, टीम नंबर 24 सोल स्क्वाड के पे पूरा का पूरा जोन है। आतंकी रश करते हुए एकदम अंधा रश किया उन्होंने और डाउन हुए। फेनेटिक स्क्वाड पीछे से शॉट देगी सेल्स, इल्यूजन की स्क्वाड पे सोल वाइपर डाउन हुए एश के द्वारा और बढ़िया स्पॉटिंग, रॉक्स भी डाउन होते हुए परितोष के द्वारा। सेल्स की स्क्वाड प्लेजोन के बाहर ही डाउन हो जाएगी और शायद फेनेटिक के पास एक अच्छा चिकन डिनर करने का मौका जरूर है। इल्यूजन की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए 4v2 का सिचुएशन होता हुआ, फेनेटिक वर्सेस सोल होता हुआ, मॉर्टल नीचे से शॉट देने की कोशिश करेंगे। अभी भी जोन सोल के पास ही है, फेनेटिक थोड़ा सा सोल के जोन के अंदर है। वाइपर की बात करें, रिवाइव करने गए हैं मॉर्टल और ओवेस आगे के साइड पे आते हुए। ऐश की बात करें वो भी पीछे से कवर दे रहे हैं, पारितोष पीछे से कवर देते हुए रैंडम शॉट्स यहाँ पे चलता हुआ, वाइपर को पूरी तरीके से फिनिश किया पारितोष ने। 2v4 का सिचुएशन है, सांगवान नीचे के साइड पे लेटे हुए, उनके पास एक गिली सूट है, उसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। मॉर्टल की बात करें, उनके पास भी एक कवर है, बट नहीं, एक शॉट पड़ गया उनको। ओवेस की बात करें, काफी ज्यादा क्लोज जा चुके हैं मॉर्टल के, गिली सूट उनके पास भी है और ग्रोजा लेके घुसते हुए नजर आ रहे हैं, बट सांगवान नीचे जस्ट लेचे हुए थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने, ओवेस को नॉक किया। एश यहाँ पे रिवाइव करेंगे। पारितोष की बात करें, पीछे से कवर तो कर रहे, देखना पड़ेगा सांगवान को कितने जल्दी स्पॉट कर सकते हैं। प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहाँ पे अभी के लिए
फेनेटिक पे, क्योंकि जोन में फेनेटिक को जाना है। सोल स्क्वाड पहले से ही जोन के अंदर है, मॉर्टल और सांगवान दोनों जोन के अंदर है, 32 मीटर्स दूर दोनों को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। ओएस में भी अब स्पॉट कर सकते हैं, एक नेट किया था मॉर्टल ने, काफी अच्छा नेट, ओएस को काफी ज्यादा डैमेज भी दिया। जस्ट नीचे लेटे हुए मॉर्टल और ओएस ने स्पॉट किया, हेड दिख रहा उनका बट नहीं, नॉकडाउन किया एक बार फिर से ओएस को। ग्रोजा वर्सेस ग्रोजा, एश अभी भी जोन के बाहर है, फिनिश किया सांगवान, स्काउट भी डाउन होते हुए, एश दूसरे साइड पे, मॉर्टल एक बार फिर से डाउन करते हुए, पारितोष अकेले बचे हुए, 1v2 का सिचुएशन, सांगवान जस्ट सामने से आते हुए, सांगवान को डाउन कर सकते हैं, डाउन भी किया, जोन का डैमेज पड़ेगा, 1v1 का सिचुएशन है, मॉर्टल वर्सेस पारितोष, मॉर्टल जोन के बाहर है, देखना पड़ेगा क्या क्लच कर सकते हैं पारितोष अपनी टीम के लिए या नहीं। बट नहीं, सोल स्क्वाड चिकन डिनर लेते हुए विद आई गेस 20+ किल्स